हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसएफजी जिस एसडीपी यानी कि जेंट्स और पैडर्स मैच के बारे में। दोस्तों, ये एमएलबी लीग का होने वाला है और इस बेसबॉल मैच के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ हम बात करेंगे डीटी यानी कि ड्रीम टीम के बारे में। और दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आई मास्टर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। दोस्तों, मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एसएफजी के बारे में। तो एसएफजी ने अभी तक 147 यानी कि 147 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 94 में विन और 53 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है काफ़ी नेक्स्ट लेवल की टीम है। और मैं अभी बात करूँ एसडीपी, तो दोस्तों एसडीपी ने 145 यानी कि 145 मैच प्ले किया, जहाँ पर 75 में विन और 70 मैच में लॉस का सामना किया। तो पता चल दोस्तों एक एवरेज टीम है। अब बात की जाए 9 प्लेयर में से हम क्या कुछ कॉम्बिनेशन रखने वाले हैं, तो उस मैच में आप 6-3 या फिर 5-4 ये दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। बाकी जो ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन होंगे दोस्तों, वो तो 4-5 आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आपको ट्राई नहीं करना है इस मैच के, चाहे वो ग्रैंड लीग हो फिर वो स्मॉल लीग हो। तो दोस्तों, अब मैंने दोस्तों ड्रीम टीम देने वाला हूँ, तो मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ। तो दोस्तों ड्रीम टीम दो, उससे पहले मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टाइटन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। और आप टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। हम फिलहाल जो हमारी प्रेडिक्शन है काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चल रही है और हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने इस मैच में 6 और 3 का ऑप्शन ट्राई किया है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो दोस्तों, अब बात की जाए, मैं आपकी टीम को बताने वाला हूँ कि आपको टीम कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, किन से कैचर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि फाइनल टीम नहीं है, जिस ड्रीम टीम है, फाइनल टीम आपसे भी पता कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करें दोस्तों ऑफील्डर सेक्शन से। तो यमटर जस्की दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है और थोड़ी बहुत क्रेडिट इश्यू भी है इस मैच में। तो दोस्तों, इस मैच में आपको कम पैसा इन्वेस्ट करके चलना है। तो यमराज के बारे में बात करूं तो दोस्तों, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है लगातार मैचों से। और आप चाहे तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन लेकर चल सकते हैं, फिर वॉइस कैप्टन आपको ट्राई करना ही करना होगा ग्रैंड लीग के लिए। बाकी स्मॉल लीग के लिए तो दोस्तों टैटिस और क्राफोर्डी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। दोस्तों, हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर ग्रीसम फॉर्म और स्लेटर। दोस्तों, तीनों ही प्लेयर काफ़ी अच्छे खासे, काफ़ी अच्छा स्टैट है, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट निकाल कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों जो सभी मैच है एमएलबी के वो ड्रीम इलेवन कवर नहीं करता है। एमएलबी लीग के हर रोज़ 10 से 15 मैच होते हैं, तो दोस्तों स्टैट निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूँगा और एनालिसिस करने के बाद आपको फाइनल टीम दूंगा टेलीग्राम पर। और ये दोस्तों मैं एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि ऐसे में लास्ट 10 मैच को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कौन से प्लेयर कौन सा परफॉर्मेंस है, तभी आपको फाइनल टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। दोस्तों, ग्रीसम फॉर्म और स्लेटर को अपनी टीम में, अपनी स्मॉल लीग की टीम में नहीं लेके चलना है, अपनी ग्रैंड लीग की टीम में अपन को लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, बात करूँ मेयर्स के बारे में, तो मेयर दोस्तों मेरे लिए पिछले मैच तो काफ़ी खराब ही परफॉर्मेंस था, उससे पिछले मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। मैं अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। 4 पॉइंट दोस्तों कम नहीं होती, लेकिन दोस्तों मेयर जैसा प्लेयर 4 पॉइंट कवर है, ये थोड़ी गलत बात है दोस्तों। बाकी 4 पॉइंट काफ़ी अच्छे खासे हैं। आप दोस्तों एमएलबी यानी कि बेसबॉल को T10 का मैच कह सकते हो, यहाँ पर हर प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, बात करूँ इन्वर्टर सेक्शन से। दोस्तों, टैटिस सबसे बड़ा प्लेयर, दोस्तों इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर। मैं मानता हूँ पिछले मैच का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन था, बाकी दोस्तों इनको अपनी टीम में कैप्टन लेके चलना है स्मॉल लीग में। और आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, मैं इनको कैप्टन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों जो मेजोरिटी लेवल होगा आपको देखने में लगे टैटिस सबसे ज़्यादा कैप्टन बिकॉज इन पॉइंट के कारण है, क्योंकि दोस्तों बेसबॉल की जो नॉलेज है काफ़ी कम बंदों के पास है। और मैं अपनी टीम में 1-2 ऐसे प्लेयर उठा लेता हूँ जिनका जो सिलेक्टेड परसेंटेज है काफ़ी कम होता है, और वो मान के चलिए 5 से 10 पॉइंट भी कवर कर देते हैं तो हम एक तरफा विन कर जाते हैं। तो दोस्तों टैटिस को हो सके तो एज अ प्लेयर के चलना है। बाकी दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, वॉइस कैप्टन नहीं आप कैप्टन ट्राई करिएगा। बाकी दोस्तों जो आपका अपोनेंट होगा आपको टैटिस ही कैप्टन मिलने वाला है, फर्नांडो टैटिस। दोस्तों, हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर, बाकी टैटिस को दोस्तों आपको टीम में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, अपनी टीम में लेके तो चलना ही चलना है। क्राफोर्ड दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लेयर, पिछले मैचों का इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा से लगातार 3 मैचों से, और ऐसे परफॉर्मेंस को देखते हुए दोस्तों मेरा मानना है कि आज भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहेगा और 20+ पॉइंट कवर करेंगे और ड्रीम टीम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इन्हें कैप्टन और वॉइस कैप्टन दोनों ट्राई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे वो स्मॉल लीग हो, जीएल हो, एसएल हो, दोस्तों कुछ भी हो, आप मुझे फॉलो करें या ना करें, क्राफोर्ड को आप काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अनुभवी प्लेयर है और जो बहुत पुराना प्लेयर है। दोस्तों मेन बात तो है काफ़ी पुराना प्लेयर है, और ऐसे प्लेयर को दोस्तों आप अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर,
दोस्तों ब्रांड के बारे में। तो दोस्तों जो मैंने को अपनी टीम में इसलिए उठाया क्योंकि उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा लगातार मैचों से, और जो आज का मैच होगा देखिए दोस्तों लगातार 6 मैचों जो उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा होता आ रहा है। दोस्तों फोर्थ मैच से थोड़े कम पॉइंट है लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं। और आज के मैच दोस्तों ब्रेंट की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं होगी प्लेयरों की, जो इनका सिलेक्टेड परसेंटेज होगा आपको 30 के आसपास देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ब्रेंट आपके लिए एक एज अ गोल्ड भी साबित हो सकता है, गोल्ड दोस्तों इतना कम सिलेक्टेड परसेंटेज होता है तो आप इन्हें अपनी टीम में वो इसका ट्राई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि दोस्तों जो इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा लगातार 6 मैचों से, 6 मैच इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों बेल्ट को मैं अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करना चाहता था क्योंकि पिछले मैच का उनका परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था। देखिए दोस्तों उससे पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और ऐसे परफॉर्मेंस को वाले प्लेयर को अगर आप अपनी टीम में कैप्टन लेके चले और इतने ही पॉइंट कवर ले तो दोस्तों आप अल्ट्रा क्लीनशिप कर जाएंगे, अल्ट्रा क्लीनशिप दोस्तों एक तरफा विन कर जाएंगे आप अगर आज ही बेल्ट इतना खासा परफॉर्मेंस करते हैं तो। और जो आज के मैच का इनका सेलेक्टेड परसेंट होगा वो 90+ जाने वाला है और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी दोस्तों थोड़ी बहुत रहेगी। बाकी दोस्तों लोग टैटिस और क्राफोर्ड की तरफ ज़्यादा भागेंगे क्योंकि दोस्तों उनके जो पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा है ये पॉइंट आपको, क्योंकि दोस्तों आपका जो अपोनेंट होगा वो इन पॉइंट के आधार पर ही या फिर मेजोरिटी लेवल को देखते ही कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज करेगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, टीम आपको देने वाला हूं टीम के बारे में को 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टीम आप सभी को पता कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर दोस्तों होस्मर का 6 पॉइंट थे, उसने पिछले मैच में कवर किए थे, उसे भी 6 पॉइंट कवर किए और होस्मर आज भी 6 पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि मैं आज को मैच भी आपको एक तरफ विन करवा दूंगा। होस्मर को दोस्तों मैंने टीम में जरूर ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि इनका जो सिलेक्टेड परसेंटेज होगा वो काफ़ी कम होगा और वही मेरे दोस्तों प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर, बाकी होस्मर को हो सके तो दोस्तों आपको अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना है। बाकी टीम तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, टीम के बारे में आपको 1% भी लिटरली 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिचर के बारे में तो घोषमैन दोस्तों कैप्टन चॉइस, अच्छी खासी कैप्टन चॉइस होगी आज का मैच प्ले करते हैं तो। दोस्तों जब भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आज का मैच प्ले करेंगे दोस्तों आप इन्हें टीम में कैप्टन लेके चलिए मेरे कुछ कहे या फिर बिना कहे। तो घोषमैन दोस्तों आपके लिए गोल्ड होने वाले हैं, दोस्तों आप हीरा भी कह सकते हैं, डायमंड भी कह सकते हैं दोस्तों। तो घोषमैन को आपको अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है। और मैं आपको बता दूं मैंने इस मैच में 6 और 3 का ऑप्शन ट्राई किया, बाकी आप 5 और 4 का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। पैटर्स दोस्तों इतनी बुरी टीम भी नहीं है, जो SFG है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की टीम है। कैचर के बाद दोस्तों मैंने कसाली को ट्राई किया है, 7 पॉइंट कवर किए थे पिछले मैच के अंदर और काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखाया था और आज भी प्ले करते हैं तो दोस्तों कर्ट कसाली को मैं अपनी टीम में लेके चलने वाला हूँ, वो भी एज अ प्लेयर। टीम का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने टीम में 2 आउटफील्डर 5 इनफील्डर 1 पिचर कैचर को ट्राई किया है। दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करूँ तो आपको वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए दोस्तों मैंने मेजोरिटी के ऊपर नहीं उठाया प्लेयर को क्योंकि दोस्तों जो आपका अपोनेंट होगा वो दोस्तों टैटिस को अपनी टीम में कैप्टन लेके चलने वाला है और वो कैप्टन दोस्तों। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि घोषमैन भी अगर प्ले का मौका दिया जाएगा आज के मैच में तो इनको भी टीम में कैप्टन लेके चला जा सकता है। तो टीम का प्रयोग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस हो क्या क्या हो सकती है। दोस्तों यमन ड्रेसिंग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करना है। क्राफोर्ड दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की दोनों टीमों में बेल्ट को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। 3 मैचों का परफॉर्मेंस काफी नेक्स्ट लेवल का है। टैटिस फर्नांडो टैटिस को दोस्तों ट्राई करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में बिना किसी टेंशन के। घोषमैन को दोस्तों ट्राई कर सकते बिना कैप्टन और बिना कैप्टन के। ये 5 मिनट दोस्तों आपके लिए काफी अच्छे खासे होने वाले, बाकी जो 4 ये प्लेयर हैं ये तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस रहते हैं हर मैच में। बाकी टैटिस को दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन आप बिल्कुल भी चूज नहीं करें तो भी काफी अच्छा खासा टीम हो सकता है। क्राफोर्ड, बेल्ट और घोषमैन ये 3 चॉइस दोस्तों आपके लिए 2 मायनेमंद रखने वाली है, बाकी टीम तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और टीम तो ऐसी दूंगा दोस्तों जो विनिंग कन्फर्म करेगी ही करेगी। बाकी टीम सभी को पता है कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद दोस्तों आप सभी को बताएं इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं अपने अच्छी वीडियो कवर करता हूँ। और दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।